जिले में महिलाएं व बच्चों के संबंधित मुकदमों के साथ गैंगस्टर गुंडा एक्ट SC ST सहित अन्य मुकदमों के निस्तारण के लिए अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी के निर्देशन में संबंधित अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित मुकदमों की समीक्षा की तथा उसे अतिशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर निदेशक अभियोजन अजय कुमार सिंह, विजेंद्र सिंह, SPP अशोक कुमार वर्मा, रणविजय सिंह, संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो ऐसे केसेस में आप रिक्वेस्ट करिए सर कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से जुड़ा हुआ केस, देखिए सभी केसेस को लेके आप इसमें नहीं चल पाओ। जी सर, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस जो रेप के केसेस हैं एक सर को प्रायोरिटी पर है, जो बहुत हाईलाइटेड केसेस हैं उनके लिए जिसमें डायरेक्शन आपने को कोर्ट ने दिया है, ऐसे केसेस को ले करके आप कर सकते हो। जी सर, कर रहे हैं, काफी कॉपरेट भी कर रहे हैं सर और डायरेक्शंस भी दिए हैं उन्होंने। तो ये डायरेक्शन आई है 31 तक के लिए, इसमें माना 2 दिन की तारीख लग जाए, 3 दिन की लग जाए तो क्या ऑर्डर हो सकता है? छठी पर रखवा दिया लेकिन 31 तक जब तक ये डायरेक्शन है क्या हो जाएगा अगर डिफेंस काउंसिल नहीं आएगा तो? तो इसी होम साहब की तरफ से जाएगा। हम दो चार चीज आपके नॉलेज में डालना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सूचना भेजी थी, जैसे अम्बेडकर नगर जनपद है, सुन रहे हैं अम्बेडकर बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अम्बेडकर नगर से मुखातिब हैं, हम सभी जनपदों से हैं, ताकि आपको एक फ्लैट हो जाए कि क्या इश्यू है। जैसे अम्बेडकर नगर का एक इश्यू हम ले रहे हैं इब्राहिमपुर थाने का क्राइम नंबर 156/2019, ST नंबर 118/2019, 363, 366 का है, जो ATC सामान होंगे उनके नॉलेज में होगा ये, क्योंकि आपने इसको भेजा है। तो आपने जैसे ऊपर एग्जांपल हम एक चीज को लाओ उसको जिसका हम कह रहे हैं, जैसे इसका फाइलिंग डेट हम ले रहे हैं, तो फाइलिंग डेट इसमें 18/11/2013 लेकिन इसमें चार्जशीट का डेट जो है 25/10/2019 है, एक साल बाद चार्जशीट लगने की एक साल बाद फाइलिंग हो रही है, तो ये सब चीज जानने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको भी ट्रैक करना पड़ेगा कि जो चीज हो रहा है। ऐसे ही अम्बेडकर नगर का दूसरा मामला है जलालपुर थाने का, क्राइम नंबर 313/2019, ST नंबर 110/2020, ये ST भी है और पॉक्सो भी है, इसमें चार्जशीट लगी है 24/1/2020 को और फाइलिंग डेट है 3/3/2020 और इसमें चार्ज फ्रेम में ही 9 तारीखें लग गई हैं। तो ये सब चीजें जो हमारी प्रोसीजरल कमियां हैं, ये सब चीजें आपको लेटर लिख करके अभियोजन निदेशालय को भेजना चाहिए, न्याय विभाग को अभियोजन निदेशालय को भेजना चाहिए कि हम 9 तारीखें को चार्ज फ्रेम में हम लगा रहे हैं। इसके अलावा इसमें 3/4 पॉक्सो से कोर्ट ने अभी ने DGC साहबान ने ही लेटर दिया था और 5D/6 पॉक्सो लगा जो कि रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, 20 साल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मैंने अग्रवेटेड सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए गुरुतर अपराध है। तो जो IU ने ये नहीं किया, IU ने 3/4 लगाया, आपने DGC ने 5D/6 इसमें लगवाया, तो इसमें फिर आपकी रिपोर्ट जानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट को भी और हमारे पास भी आनी चाहिए कि IU द्वारा ये लापरवाही की गई है। तो जो हमारे विवेचना स्तर पर जो लापरवाही हो रही है ये भी उजागर होगी और हम इसमें कंट्रोल कर पाएंगे, हम विवेचना बहुत बेहतर बना पाएंगे। दूसरे बात, जो अम्बेडकर नगर का टांडा का है क्राइम नंबर 82/18 और ST नंबर है 100031/2018, इसमें 4/7/2018 को लगा चार्जशीट
और इसमें जो मोटा मोटी एक महीने बाद 1,800 को फाइलिंग हो गई, तो मतलब एक महीने का अंतर हो गया। और लेकिन इसमें 2 साल बाद एफएसएल की रिपोर्ट 5/9/2020 को अटैच कर रही है, तो जो ये कमियां आ रही हैं, ये कमियां जरूर आप जब तक आप न्याय विभाग को अभियोजन निदेशालय आप जब तक प्रोसेस में जो डिले आ रहा है, जो हर स्टेक होल्डर्स के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इस विवेचना को और सजा दिलाने में जहाँ कमी आ रही है, ये चीज जरूर आप उजागर कीजिए। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। आपके द्वारा मेहनत किया जा रहा है, लेकिन जो कमियां हैं वो यहाँ तक नहीं आ पा रही। ये तो सब चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, इसलिए हम इस तरह की चीजें जान पा रहे हैं। उसी तरह से मेरठ का दौरा लगा है। उसमें 3/4 अगर लगाए हैं, जहाँ 5/6 होना चाहिए था 3/4 लगा कर भेज रहे हैं। हमारे पास कम से कम 20 ऐसे फाइल है मुकदमे जहाँ पर बहस शुरू हो रही थी, बहस के दौरान देखा गया कि नहीं, इसमें 5/6 होने चाहिए थे और 4/3 में आई है। तो न्यायालय को मैंने अप्लीकेशन दे करके सारे में संशोधन करा रहा हूँ। ये सारी अप्लीकेशन बहुत पुरानी से चली आ रही है, ध्यान देते हैं। आपने इसका अच्छा काम किया था, 18/9 को आपने इसने पत्रावली जज साहब के सामने पुट अप किया और 21/9 को 3 दिन बाद ही जज साहब ने सुनवाई करके ऑर्डर कर दिया। आप भी काम कर रहे हैं लेकिन हमारे संज्ञान में नहीं आ रहा है। सर कम से कम मैंने 30 फाइलों में दौरान बहुत जो फाइल चल रही थी उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंटेशन जरूर कर लीजिए। और ये 2013 में यह फैसला आ गया है, तो